देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चल रहा था, उसी में जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको डिस्कस करते हैं एंड देन नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का दिया गया, इसे हम लोग बोलते हैं निम्न का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से निकलती है, जरा देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया गया आपको, ए नंबर, तो ए नंबर क्या दिया गया, sec इनवर्स माइनस का अंडर रूट 2। ओके, तो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लिख सकते हैं sec इनवर्स माइनस का अंडर रूट 2। ओके, अगर माइनस में अंडर रूट 2 देखें तो sec में वैल्यू कितने की होती है, अंडर रूट 2 ये होती है 45 की। अब माइनस है तो माइनस के लिए हम लोग 180 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके रीजन इसलिए क्योंकि इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे निगेटिव हो जाते हैं, राइट। अदर सारे कैसे हो जाते हैं, निगेटिव, ओनली साइन और कॉस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि हम इसे कन्वर्ट करेंगे sec इनवर्स sec 180 माइनस 45, राइट। तो इसे क्या बन जाएगा, sec 135 sec इनवर्स sec 135, sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 135। इसे कन्वर्ट करेंगे 135 इंटू पाई बाई 180, जब कैंसिल आउट करेंगे ये बनेगा 3π/4। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। ओके, तो ये ही आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, वी सी डी, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं। तो जरा देख लीजिएगा, नॉर्मल टाइप में इसी टाइप में करना। आगे देखिए, देखिए अब अगर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन में लिख लेंगे LHS। ओके, जो LHS आपका दिया गया वो वैल्यू क्या दी गई, LHS में दी गई tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, राइट, यही तो दिया गया। फिर इसके बाद में दिया गया tan इनवर्स b माइनस सी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी। ओके, सिमिलरली tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस ए सी, राइट, ये आपका LHS है। अगर इसमें हम सूत्र यूज करें तो सूत्र क्या यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस बी, या फिर यूं लगा सकते हैं कैपिटल लेटर में लिख के a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b। वैल्यू पुट कर दीजिएगा एंड देन फाइंड कर लीजिएगा। तो वैल्यू जब पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b माइनस का tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c माइनस का tan इनवर्स a, राइट। अब जब इतना बनेगा तो इसमें क्या रखेंगे, वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे, ये tan इनवर्स है, ये इससे ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो। यही आपको लाना था RHS, तो यहाँ पे क्या लिखने लगे, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसे देखिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 13, इसमें प्रूव करने के लिए बताया tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 5/4 माइनस एक्स, राइट। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे LHS ले लेंगे, LHS इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, राइट, इतना ही तो दिया गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स, दोनों में क्या कॉमन लेंगे, cos। ओके, तो ऊपर क्या लेगो, cos x जब कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस sin x बटे cos x। पता है क्यों, क्योंकि अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो क्या करेंगे, जिसके साथ होता है उसको निकल आता है सीधा, जिसके साथ नहीं होता है उसे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो इसमें भी सेम, cos x क्या बनेगा, 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनेगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, राइट। इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स, tan में कितने की वैल्यू होती है, ये 1,
पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपान वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। पता है क्यों? क्योंकि हम वन इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, राइट। अगर इतना आ गया तो जरा इसे बताइए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का सूत्र हो गया, ओके। चूंकि टेन ए प्लस टेन बी माइनस का टेन बी है, ओके, अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, ओके। अगर इतना होता है तो इसे जला वैल्यू रख दीजिएगा, टेन ए माइनस बी का होता है, किसका होता है, टेन ए माइनस बी। वैल्यू पुट करिए तो क्या रखेंगे, टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी। जरा बताइए, टेन से टेन कैंसिल, क्या बचेगा, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू थी अपनी पाई बाई फोर थी, मतलब ए की जो वैल्यू थी पाई बाई फोर थी, और बी की वैल्यू कितनी थी, एक्स। तो यहाँ क्या रख देंगे, एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बाई फोर माइनस का एक्स, ये लाना था, आर एच एस हो गया। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ओके। फिर क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो दिया गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई बाई टू, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू वन। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो दिया गया उसे लिख लेते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन क्या गिवन है, दिया है, जो दिया गया लिखेंगे, क्या दिया गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू कितना दिया गया, पाई बाई टू, राइट। तो इसमें हम लोग सूत्र यूज कर देंगे, सूत्र क्या होता है, दोनों का योग वाला जो होता है उसे यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपान वन माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, ओके। अब जो इनवर्स है ये अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन पाई बाई टू, ओके। तो बना दीजिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपान वन माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इक्वल्स टू टेन पाई बाई टू, ओके। अब जरा बताइए टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, जिसे हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपान वन माइनस एक्स बाई माइनस का वाई जेड और माइनस का एक जेड एक्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अच्छा ये बताइए, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल, मतलब इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, वन अपान जीरो। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपान वन माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इक्वल्स टू वन अपान जीरो। जीरो का इधर गुणा इसका इधर, क्या बन जाएगा ये, जीरो इक्वल्स टू वन माइनस एक्स बाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये पूरा टर्म इधर ले आएगा, ले आएंगे तो क्या बनेगा, एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू जीरो, ओके। यही ले आना था जेड एक्स, ये इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ओके, वन प्रूव्ड, राइट। लिख लीजिएगा, यही लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जो 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, सॉल्व करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बताया कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 by 2 plus tan इनवर्स 1 by 3 equals to pi by 4। तो हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS equals to क्या है, tan इनवर्स 1 by 2 plus tan इनवर्स 1 by 3, ओके। तो tan इनवर्स 1 by 3, अब इसमें सूत्र यूज करेंगे, कौन सा सूत्र, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y equals to tan इनवर्स x प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, राइट। अब जब वैल्यू यूज करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 बाई टू, और इसकी 1 बाई थ्री, चलिए रखते हैं। तो
तो जब वैल्यू रखेंगे क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह वन बाई टू, वाई की जगह वन बाई थ्री इक्वल्स टू टेन इनवर्स, दोनों को जोड़ना है, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब दोनों का क्या कर देना मल्टीपल, तो वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, तो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम ले गए सिक्स, थ्री का इधर प्लस टू का इधर अपान ये सिक्स इधर आ जाएगा, लासा जब लोगे तो क्या बन जाएगा ये सिक्स माइनस वन अपान सिक्स, सिक्स या सिक्स कैंसिल, तो इज इक्वल्स टू वैल्यू जो बनेगी इसकी, तो ये क्या बनेगी सॉल्व करने पे, वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स थ्री और टू कितना होता है फाइव, और सिक्स से बन गया फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, टेन इनवर्स वन। अच्छा टेन इनवर्स वन, वन कितने की वैल्यू होती है फाइव बाई फोर की, टेन में, तो क्या लिखेंगे टेन इनवर्स टेन फाइव बाई फोर, तो इक्वल्स टू क्या बना पाई बाई फोर, ये आपका आर एच एस हो गया, इसे क्या लिखोगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ओके प्रूव्ड। ओके इसके लिए मेजर मेन चीज है कि आपको सूत्र अगर फार्मूले वगैरह याद हैं तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो 23 नंबर में क्या गिवेन है, दिया है, दिया है, और जो दिया क्या गया है वो है tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, यही तो दिया गया। अगर इतना दिया गया तो प्रूफ करना है आपको sec इक्वल्स टू अंडर रूट वन पान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा tan a इक्वल्स टू x, ओके मतलब लंब बटे आधार x वन, ये आप ट्रेंगल बना सकते हैं यहाँ पे, राइट। और पहली बात तो यह है सेके की वैल्यू भी पूछी है तो ट्रायंगल रेंगल का मतलब खत्म है, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए आप। ओके तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र होता है, राइट। मतलब सेके इज इक्वल्स टू क्या निकालोगे अंडर रूट लग जाएगा, अगर अंडर रूट लग जाएगा तो यार ये बताओ अंडर रूट लगाओ वन प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब एक्स स्क्वायर, ये सेके यही पूछा गया था। ओके तो ये क्या हो गया प्रूव्ड, इतने लाना था, राइट। ये अगर ऐसे नहीं आ रहा था आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है उसके थ्री यूज कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में बताया गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू, देन प्रूव दैट एक्स वाई इक्वल्स टू वन। ओके तो इसमें भी सॉल्यूशन करते हैं, गिवन क्या है, गिवन है आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना है पाई बाई टू, यहाँ पे हम इसका सूत्र यूज कर देंगे। ओके बाई यूजिंग फार्मूला, बाई यूजिंग फार्मूला, अब बाई यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, राइट। ये यूज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसकी बनेगी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू, राइट। ये टेन आप इधर ले आएंगे और जब ये टेन आप इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू बनेगी एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू टेन पाई बाई टू, राइट। अब जरा बताइए टेन जो पाई बाई टू है तो टेन में पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, तो एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल देखें अगर उल्टा तो कितना होता है वन अपान जीरो, तो एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वन अपान जीरो, ये मल्टीपल कर देंगे इधर, आप इधर मल्टीपल कर दीजिएगा, ये वैल्यू बनेगी जीरो इक्वल्स टू वन माइनस एक्स बाई, एक्स बाई इधर ले आएगा तो एक्स बाई इक्वल्स टू वन, यही आपको लाना था, राइट प्रूव्ड। लिख लीजिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन में अपन को क्या बताया गया, बताया गया कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री बाई फोर, ये प्रूव करना है। ओके तो देखिए सॉल्यूशन LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल्स टू अपना क्या दिया गया, दिया गया cos इनवर्स 4 बाई फाइव, cos इनवर्स 4 बाई फाइव,
ओके लेट कास इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स, ये आप इधर ले जाएंगे क्या बनेगा कास एक्स इज इक्वल्स टू 4/5। ओके अगर कास एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 बना तो ये मतलब इसका सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। अगर क्लास 10 की मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो आधार बटे अगर कर्ण होता है तो हम ट्रेंगल ऐसे बना लेंगे। ओके ये आधार है ये कर्ण है, इसका मतलब ये 4 है और ये 5 है। आप इसे एंगल ले लेते हैं एक्स ए बी सी, ओके इंटर एंगल ए बी सी, इंटर एंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो क्या है कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही पाइथागोरस की प्रमेय होती है। अब कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर कितना आगा 25, 4 का 16 प्लस लंब स्क्वायर। ओके तो इसके मतलब क्या है ये 16 आप इधर ले आओगे क्या बनेगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू लंब स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एल इक्वल्स टू अंडर रूट 9, एल इक्वल्स टू 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि लंब आपका जो आया वो 3 आया, अगर लंब 3 आया तो इसका मतलब है tan x इज इक्वल्स टू कितना है लंब बटे आधार, तो tan x इज इक्वल्स टू लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार कितना है 4, तो कितना आएगा 3/4। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स 3/4। अच्छा ये बताइए x की वैल्यू समीकरण 1 से क्या मानी थी cos इनवर्स 4/5, तो x की जगह क्या रख सकते हैं cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ओके इसे क्या लिखेंगे प्रूव्ड, और याद रखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो अगला क्वेश्चन अपना है वो क्या दिया गया cot tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू 1/3 प्रूव करना है, तो इसमें LHS ले लेंगे, LHS इक्वल्स टू क्या है cot tan इनवर्स 3, इतना ही तो दिया गया, तो इसमें सूत्र यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे सूत्र tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। ओके मतलब tan को अगर cot में बदले तो क्या होता है नंबर आपको एक्सचेंज कर देना है रेसिप्रोकल कर देना, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, तो इसे यूज करेंगे cot cot इनवर्स 1/3, cot से cot कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा 1/3, ये आपका RHS है और यही प्रूव करना था राइट। नेक्स्ट देखिए, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया वो क्या दिया गया tan इनवर्स 1/3, तो इसमें LHS हम ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है चूंकि प्रूव भी करना है और प्रूव करना है तो डायरेक्ट LHS ले लेते हैं, तो LHS में वैल्यू क्या दी गई आपको tan इनवर्स 1/3 माइनस का tan इनवर्स 1/2 राइट। तो जरा ये बताइए ये आपका x है ये आपका क्या है y, सूत्र यूज कर दो। ओके सूत्र क्या लगाओगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1+xy राइट, वैल्यू रख दीजिए इसमें, जब वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y मतलब 1/3 माइनस 1/2 अपॉन 1+xy मतलब 1/3 इंटू 1/2 राइट। अगर इतनी वैल्यू है इसे ऐसे कर लीजिएगा, इसे रखिएगा tan इनवर्स लासा ले लीजिएगा 6, 2 का इधर और 3 का इधर अपॉन 3 × 2 = 6, तो 6 लासा आ जाएगा 6 और प्लस 1, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल्स टू क्या वैल्यू बनेगी बनेगी tan इनवर्स 2 से 3 गया, अगर 2 से 3 गया तो याद रखिएगा माइनस का 1 अपॉन 6 और 1 कितना होता है 7, तो 6 और 1 7, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स
माइनस का 1/7। ओके आगे देखिए जरा, इसी में देख लीजिए क्या देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर, और उसमें करेक्शन कर लीजिएगा जो आंसर में दिया गया माइनस 1/7 कर लीजिएगा एलएसएस साइड में। ओके करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना दिया गया वो क्या दिया गया, टेन इनवर्स एन अपॉन एन प्लस 1। देखिए क्या दिया गया, टेन इनवर्स एन एलएचएस ले लेते हैं, टेन इनवर्स एन अपॉन एन प्लस 1 और माइनस का टेन इनवर्स 2n+1। राइट तो माइनस का टेन इनवर्स 2n+1 यही तो दिया गया। अगर ये दिया गया इक्वल्स टू हमें 3π/4 लाना है, इसका मतलब टेन में माइनस की वैल्यू लानी है। तो जरा देखिए ये आपका x है, ये आपका क्या है y, सूत्र वही यूज करेंगे क्या, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1+xy। राइट अब जब सूत्र यूज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ओके तो वैल्यू रखिए क्या हो गया, tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n+1 इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है एन अपान एन प्लस 1 माइनस का 2n+1 अपान 1 माइनस एक्स वाई, मतलब इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा एन अपान एन प्लस 1 इंटू 2n+1। ओके तो जरा देखिए इसे सिंप्लीफाई करना है तो टेन इनवर्स इन दोनों का क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। ओके तो लासा जब लेंगे तो इसका मल्टीपल इधर मतलब n माइनस 2n+1 इंटू n+1 अपान n+1 इसका लासा लेंगे, इधर मल्टीपल हो जाएगा क्या आएगा ये n+1 माइनस का n इंटू 2n+1। राइट अब जब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, इसकी वैल्यू बनेगी tan इनवर्स जरा बताइए n माइनस इन दोनों का हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं 2n का n में कितना हो जाएगा माइनस का 2n2। ओके 2n का जब 1 में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2n, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होना है। ओके फिर 1 का सेम तो माइनस में दोनों नंबर माइनस n और माइनस का 1 अपान। ओके तो ये क्या लिखोगे n+1 माइनस का 2n2 और माइनस का n। ओके तो माइनस का n अब जरा देखिए उड़ाने की बात हो रही है, अगर उड़ाएं तो देखिए क्या क्या उड़ेगा क्या नहीं उड़ेगा, एक n से तो एक n उड़ ये उड़ जाएगा और एक n से एक n ये उड़ जाएगा। ओके तो ये बचेगा 2n2-1 tan इनवर्स, देख लीजिए जरा देख लेते हैं अभी 2 मिनट। देखिए जो यहाँ पे करेक्शन बच रहा है वो क्या बच रहा है कि जो अपन ने सूत्र लगाया था वो प्लस एक्स बाई होता है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करोगे तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ देम प्लस हो जाएगा सारा कुछ, तो ये भी प्लस एंड देन ये भी प्लस। ओके अब जरा ऊपर देख लेते हैं बचा क्या है, ऊपर जो बचा अपना ऊपर बचेगा माइनस का 2n2 माइनस का 2n और माइनस का 1 अपान क्या बच रहा है, अपान में बच रहा है 2n2 n और n प्लस का 2n और प्लस का 1। तो ऊपर से क्या कामन ले ले माइनस का, तो माइनस कामन लेंगे तो क्या बचेगा 2n2 माइनस 2n माइनस 1, मतलब प्लस में हो जाएगा ये भी प्लस में हो जाएगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी tan इनवर्स माइनस का 1। अब जरा बताइए tan इनवर्स माइनस 1 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है, tan 135 की, 135 को बोलते हैं 3π/4, क्या बोलते हैं 3π/4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4 राइट हैंड साइड हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें तो अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया जरा देख लीजिए ध्यान से। देखिए इस भी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे सबसे पहले। ओके तो LHS ले लेते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। ओके तो LHS में क्या दिया गया, LHS दिया गया cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। राइट, इतना ही तो दिया गया। अगर इतना दिया गया जरा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मान लेंगे, क्या मानेंगे, a इज इक्वल्स टू टेन अल्फा मान लेते हैं। ओके एंड b इज इक्वल्स टू मान लेते हैं टेन बीटा। ओके अगर इतना मानते हैं तो जरा बताइए यहाँ से जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स a बनेगा। ओके यहाँ से बीटा की जब निकालेंगे ये टेन इनवर्स b बनेगा। राइट, वैल्यू रख देते हैं, जब रखेंगे तो क्या बनेगा, कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर, ए की जगह क्या रखना है अल्फा, तो टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ओके अब जरा बताना ये किसका सूत्र बनेगा, ये सूत्र होता है चूंकि क्या होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके अगर इतना होता है तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं cos 2 थीटा, थीटा की जगह मतलब अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 अल्फा माइनस cos इनवर्स ये यहाँ क्या रखेंगे cos 2 बीटा। राइट, अब जब बताइए कास इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, बराबर बचेगा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा। जरा बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स से, तो क्या लिख लेंगे 2 टेन इनवर्स ए माइनस का बीटा की जेलू टेन इनवर्स बी। ओके अगर सूत्र यूज कर दें तो tan inverse a माइनस tan inverse b बराबर क्या होता है 2 tan inverse a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी, ये क्या हो जाएगा RHS, यहीं पे क्या लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ओके फिर इसे क्या कर देंगे प्रूफ्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा,